सो स्टूडेंट्स, आज जो है इंटरनल ट्रेड का हम रिवीजन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ही मतलब ब्रीफली इसको करेंगे। सबसे पहले इंटरनल ट्रेड, देखो ट्रेड आपको पता है ट्रेड क्या होता है। ट्रेड मतलब व्यापार, हिंदी में बोलते हैं। इसका मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स विच इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज फॉर मनी और मनी मूवर। एक्चुअली क्या होता है कि जो सामान इधर उधर होता है ना, जैसे खरीदना बेचना, और एक सामान दूसरे को दे देना, दूसरा कुछ पैसा दे देगा उसके बदले पैसा दे देगा, तो हम उसको ट्रेड कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ट्रेड जो है ना, इसको हम ऑन द बेसिस ऑफ स्केल ऑफ ऑपरेशन हम देख सकते हैं, और इसको हम दो हिस्से में बांट सकते हैं। एक होलसेल ट्रेड होता है, एक रिटेल ट्रेड होता है। होलसेल ट्रेड क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग इन लार्ज क्वांटिटी। तो जब भी आपसे बोलेगा होलसेल ट्रेडर है, इसका मतलब बहुत ज्यादा तादाद में सामान रखा हुआ है, और वो डायरेक्टली प्रोड्यूसर से खरीदता है और रिटेलर को यानी कि दुकानदार को बेच देता है। तो वन हु डील्स इन द होलसेल ट्रेड इज नोन एज होलसेलर, उसको हम होलसेलर कहते हैं। तो हमारे आसपास भी होलसेलर्स होते हैं जो देखते हो आप बहुत सारा सामान बेचते हैं, लेकिन ना वो कस्टमर को नहीं बेचते, वो क्या करते हैं, दुकानदार को बेचते हैं। और खरीदते किससे हैं? ऑब्वियस सी बात है, प्रोड्यूसर से खरीदेंगे लार्ज क्वांटिटी में, कम सामान नहीं खरीदते। अच्छा, इनकी सर्विसेज क्या होती है स्टूडेंट्स? क्या सर्विसेज देते हैं मैन्युफैक्चरर्स को या प्रोड्यूसर्स को? तो ये सबसे पहले ना उनको मदद करते हैं कि तुम ज्यादा सामान प्रोड्यूस करो। देखो इमेजिन करो, अगर कोई होलसेलर किसी प्रोड्यूसर को बोल रहा है कि तू जितना बनाना है बना सामान, मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ, तो होल जो बनाने वाले हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो बल्क में बनाना शुरू कर देते हैं फिर। तो ये एक तरह से उनको मदद करता है ज्यादा क्वांटिटी को प्रोड्यूस करने में। एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हो, अब ये प्रोड्यूसर्स हैं, ये सब बना रहे हैं, सिलाई विलाई कर रहे हैं, ड्रेस बना रहे हैं, बच्चों के यूनिफॉर्म्स बना रहे हैं, ओके। अब ध्यान रखना, ये अपने देश वाले नहीं है, चाइना वाले, ठीक है। ये ऐसे ही ट्यूबलाइट जला काम करते रहते हैं दिन रात। तो यहाँ पे क्या है, मान लो इनको ऑर्डर मिल गया कि भाई आप बहुत सारा प्रोड्यूस करो सामान, तो होलसेलर क्या बोलेगा इनको, बोलेगा एक स्कूल के लिए मुझे इतने ट्राउजर्स चाहिए और इतने ड्रेसेस चाहिए। तो ये लोग अपने ड्यूटी पे लग जाएंगे, खूब सारा तादाद में बनाएंगे, वो कई सारे स्कूल का ऑर्डर देगा, कपड़े देगा उनको बनाने के लिए। तो इनको मदद करता है होलसेलर लार्ज क्वांटिटी में बनाने के लिए। दूसरा है बियरिंग रिस्क। हमेशा याद रखो, होलसेलर जो है प्रोड्यूसर का रिस्क अपने ऊपर ले लेता है। क्यों? क्योंकि ये सारा का सारा जो गुड्स, जैसे ही वो प्रोड्यूस करते हैं, सब का सब गुड्स ये खुद ही खरीद लेता है, और बदले में जो स्पॉयलेज होने का, डैमेज होने का, चोरी होने का, जो भी रिस्क है सब अपने ऊपर लेगा। इमेजिन करो ये वाला एग्जाम्पल, अब जैसे कोरोना आ गया, अब मान लो कि किसी प्रोड्यूसर को बोल दिया है इसने, होलसेलर ने, कि भाई तू इतने सारे ड्रेस बना के मुझे भेज दे मेरी दुकान पे, तो ये तो चुपचाप अपना सामान बना के भेज देंगे, कपड़े उपड़े। लेकिन आपको पता है बच्चे ऑनलाइन ही क्लास ले रहे हैं, तो कोई भी ड्रेस खरीदने से रहा, पुराने वाले ड्रेस को भाई, किसी को 10 दिन जाना है स्कूल पूरे साल भर में या 20 दिन 1 महीने, तो वो नया ड्रेस क्यों सिलवाएगा? वो तो घर में अपना, घर में थोड़ी ना स्कूल ड्रेस पहन के घूमेगा वो क्लास लेते। तो ऐसे में डिमांड कम हो गई, लेकिन उसने अपने दुकान में रखा हुआ है, अब वेस्टेज हो रहेगा उसको, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम ये आ जाएगी इसमें। तो इस तरह के सारे रिस्क ये लेता है, चोरी का रिस्क ये लेता है, ट्रांसपोर्टेशन का रिस्क ये लेता है, स्टोरेज का रिस्क ये लेता है। फिर आता है फाइनेंशियल असिस्टेंस। तीसरी सुविधा क्या देता है? पैसे का। जो होलसेलर्स होते हैं ना, ये प्रोड्यूसर्स को ना बोलते हैं कि ठीक है, अगर आपको पैसे चाहिए तो हम फाइनेंशियल असिस्टेंस हम देंगे आपको। तो दे गिव लॉट ऑफ मनी टू देम, ओके, विदाउट एनी इंटरेस्ट ऑन दैट। तो इसमें ये हो सकता है कि वो उनको कैश पकड़ा देते हैं और बोलते हैं कि जब सामान बिक जाएगा, आप कमा लोगे, तब हमें दे देना। फिर एक और आता है एक्सपर्ट एडवाइस। होलसेलर एक और काम करता है, एक्सपर्ट एडवाइस भी देता है प्रोड्यूसर्स को। तो ये एक एक्सपर्ट एडवाइस देने का भी काम करता है, ये कॉन्स्टेंटली टच में रहता है रिटेलर के, और वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं और बताता रहता है कि कैसे कैसे चॉइस हो रही है मार्केट में। एक और है हेल्प्स इन मार्केटिंग, मार्केटिंग में भी मदद करता है ये, ठीक है। मार्केटिंग में बहुत सारी मदद करता है, उनको बताता है कि किस तरह का प्रोडक्ट जो है मार्केट में आया हुआ है। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। तक क्लियर है स्टूडेंट्स? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट है कि ये फैसिलिटेट करता है कंटिन्यूटी ऑफ प्रोडक्शन। इसकी वजह से ना लगातार कंटिन्यूटी बनी रहती है। जैसे वैक्सीन का एग्जांपल ले सकते हो, वैक्सीन की जो कंपनियां हैं ये क्या कर रही है, पूरे दुनिया में सामान को भेज रही है। तो जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो कंपनी के बनाने वाले लोग हैं, उन लोगों को ऑर्डर मिलता रहता है, वो लोग सामान बनाते रहते हैं,
और कंटिन्यूटी रहती है प्रोडक्शन में, ये लोग कंटिन्यूस प्रोडक्शन कर सकते हैं, और स्टोरेज की भी फैसिलिटी मैंने बताई दी अपने पास, इकट्ठा करके ये रखने का काम कर। तो ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए, कौन समझाएगा? सर दिव्या। सर तनीषा। ठीक है, दिव्या समझा रही है, दिव्या समझाओ। यस सर, ये है सर्विसेज ऑफ होलसेलर्स टू प्रोड्यूसर्स। जो होलसेलर होते हैं वो प्रोड्यूसर्स को क्या सर्विसेज देते हैं? फर्स्ट है फैसिलिटेटिंग लार्ज स्केल प्रोडक्शन, क्योंकि सब होलसेलर्स ज्यादा बल्क में सामान खरीदते हैं, तो इससे प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, बल्क में प्रोडक्शन करते हैं लार्ज स्केल पे, और होलसेलर उनसे परचेज कर लेते हैं। सेकंड, बियरिंग रिस्क। जो होलसेलर्स हैं वो सारे रिस्क ले लेते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के, फायर के, लॉस, मतलब जो भी उनको होता है वो होलसेलर्स को होता है, प्रोड्यूसर्स को उसका अफेक्ट नहीं होता है। थर्ड है फाइनेंशियल असिस्टेंस। जैसे प्रोड्यूसर्स को कभी कभी नहीं पता होता कि अभी उनको क्या करना चाहिए, तो जो होलसेलर्स होते हैं उनको गाइड भी कर देते हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दे देते हैं कि आपको अब ये करना चाहिए। फोर्थ है एक्सपर्ट एडवाइस। होलसेलर्स जो होते हैं वो प्रोड्यूसर्स को एडवाइस करते हैं कि आप अपना प्रोडक्शन कैसे बढ़ा सकते हैं, या उनके जो वो प्रोडक्शन करते हैं उसके रिलेटेड उनको एडवाइस करते हैं। फिफ्थ है हेल्प्स इन मार्केटिंग। जो प्रोड्यूसर्स है उनको तो मार्केटिंग करनी नहीं पड़ती, लेकिन जो होलसेलर्स है वो मार्केटिंग करते हैं। कोई भी एक मिनट रुको आवाज आ रही है? मैं ये कह रहा हूँ, एक ना एक्सपोर्ट एडवाइस आप दो। चलो मान लो आप होलसेलर हो और मैं प्रोड्यूसर हूँ, और मैं खेती से रिलेटेड एग्रीकल्चर से, तो किस तरह के एडवाइस देंगे? एक एग्जांपल के थ्रू बता सकती हो? ट्राई करो। आप एग्रीकल्चर करते हो सर अभी, मतलब प्रोड्यूसर हो तो? हाँ जी। ठीक है, अभी आप प्रोडक्शन कर रहे थे राइस का, और अभी जैसे डिमांड है मेज की, तो मैं आपको बोलूंगी कि आप राइस का प्रोडक्शन कम कर दो और मेज का प्रोडक्शन को बढ़ा दो, क्योंकि उसकी डिमांड ज्यादा है अभी मार्केट में और आपको इससे बेनिफिट होगा। बिल्कुल सही है। और अभी देखो, आप कल बजट भी पास हुआ, तो उसमें गवर्नमेंट कई प्रकार स्कीम निकालती है अलग अलग, कितनी ये वाली फसल को हम ज्यादा बजट रखा है कि ये फसल ज्यादा खरीदेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कल का बजट देखा था आप लोगों ने, उसमें गेहूं का दिखाया कि गेहूं की खरीद ज्यादा होगी इस साल। तो ऐसे में जो होलसेलर होता है उसको भी ये सब नॉलेज होती है, तो वो एक तरह से जो प्रोड्यूसर है उसको बोल सकता है कि देख अगले बार ज्यादा इसकी राइस की डिमांड है, तो ये तू ये कर, वीट की ज्यादा डिमांड है तो ये बना। बिल्कुल सही एग्जांपल सर। नेक्स्ट। यस सर। सिक्स्थ पॉइंट है फैसिलिटेट्स कंटिन्यूटी ऑफ प्रोडक्शन। जैसे कि हमने पढ़ा, जो होलसेलर होते हैं वो बल्क में ज्यादा सामान खरीदते हैं, तो फिर इससे वो प्रोडक्ट जो प्रोड्यूसर है उसको उसका वो प्रोडक्शन कंटिन्यूटी में चलता रहता है, क्योंकि उनको पता है कि होलसेलर उनसे खरीद लेंगे बल्क में, तो उनके पास ज्यादा बचेगा नहीं। सेवंथ है स्टोरेज। तो जो प्रोड्यूसर उसका स्टोरेज की भी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि जो होलसेलर होता है वो अपने वेयर हाउसेज में उसको स्टोर करके रखता है। ठीक है, और ये जो हेल्प्स इन मार्केटिंग है ना, ये वाला, इसका मतलब ये एडवर्टाइज करता है प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो, सर्विसेज तो होलसेलर्स टू रिटेलर्स, ये दुकान वालों को क्या मदद करते हैं? तो देखिए, बहुत सारी सर्विसेज ये भी देते हैं। सबसे पहले लोगों को ना, ये लोग गुड्स अवेलेबल कराते हैं। जब भी दुकान वालों को गुड्स चाहिए, हमेशा इनके तैयार रहते हैं। आपने देखा होगा कई बार दुकान में सामान खरीद खत्म हो जाता है, तो अगले दिन वो आ जाता है। कहाँ ये लोग कॉन्स्टेंटली टच में रहते हैं, और भी मार्केट निकल के थ्रू या फिर जैसा भी है अरेंज करा देता है। दूसरा है मार्केटिंग, एक्स्ट्रा सामान ये फ्री देता है। जैसे होलसेलर जो है, कई बार एडवर्टीजमेंट का बर्डन अपने ऊपर ले लेगा, स्पोर्ट्स का जो सेल्स का प्रमोशन है वो अपने सर पे ले लेगा, और इस तरह की सुविधाएं भी देता है अपनी तरफ से कि भाई जो रिटेलर होता है ना, उसको बोल देता है कि तू इतना सामान खरीदोगे तो मैं आपको इतना एक्स्ट्रा दे दूंगा, तो वो एक्स्ट्रा सामान भी देता है अपनी तरफ से देता है। फिर क्रेडिट फैसिलिटी। हाँ सर, सेल्स प्रमोशन एंड एडवर्टाइजमेंट में क्या डिफरेंस है? देखो, एडवर्टाइजमेंट में होता है कि गुड्स के बारे में आप एडवर्टाइज करती हो, दैट्स इट। ठीक है, और सेल्स प्रमोशन में क्या होता है कि आपको सेल बढ़ाने से रिलेटेड स्टेप्स लेने हैं, तो इसमें अवेयरनेस के भी प्रोग्राम हो सकते हैं कि लोगों को अवेयर करना। ठीक है, तो देखो, दुकानदार एक तो एडवर्टाइजमेंट इसलिए होता है कि कस्टमर को पता चले कि इस तरह का प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, और सेल्स प्रमोशन वो एक्टिविटी होती है जिसके अंदर सेल्स को बढ़ाने से रिलेटेड स्टेप लिए जाते हैं।
जैसे कि सेल्स प्रमोशन ये हो सकता है कि डिस्काउंट दे दो, सेल्स प्रमोशन कोई ऐसी टेक्निक जो आप इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा सेल कर सकती हो, उसको हम सेल्स प्रमोशन कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सेल्स प्रमोशन में आप फ्री गिफ्ट दे सकती हो कस्टमर्स को। जैसे मान लो कोई नया प्रोडक्ट आया और अभी उसका सेल नहीं हो रहा था, तो आप उसके छोटे पाउचेस में कस्टमर को साथ में दे सकते हो। जैसे किसी कस्टमर ने 200 का सामान लिया, तो आप उसको बोल सकते हो, सर ये नया प्रोडक्ट है, दुकान में आज पहली बार आया है, आपको हम फ्री गिफ्ट दे रहे हैं, आप इसको एक बार इस्तेमाल करके देखिए, अच्छा लगेगा तो अगली बार दुकान में हमारे से आप ले जाना। तो इस तरह के कूपन वाला सिस्टम रख सकते हो प्राइस देने का, कि भाई प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा कि सर आप हमसे सामान लेके जा रहे हैं, ये टोकन ले लीजिए, अब हम अगले कुछ दिन के बाद हम इसमें से लॉटरी निकालेंगे, अगर आपका नंबर आ गया तो आपको ये सामान फ्री गिफ्ट मिलेगा, या आप हमारे ऐसे कस्टमर हो जाएंगे जिसको हम ज्यादा डिस्काउंट देंगे 1 महीने। तो इस तरह के आप जो है प्रमोशन, सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज। क्लियर है? जी यस सर, जबकि एडवर्टीजमेंट में ऐसा नहीं होता है। एडवर्टीजमेंट में यू हैव टू जस्ट एडवर्टाइज अबाउट योर प्रोडक्ट, तो आप अलग से कोई बेनिफिट नहीं देते उसको। नेक्स्ट है क्रेडिट फैसिलिटी देना, उधार प्रोवाइड कराते हैं। आपको पता ही है कि ये होलसेलर्स को, होलसेलर्स क्या करते हैं, दुकान वालों को उधार दे देते हैं ज्यादा तादाद में सामान, और बोलते हैं बाद में पैसा दे देगा। फिर एक और आता है स्पेशलाइज्ड नॉलेज, जो होलसेलर प्रोड्यूसर को देता था वही नॉलेज ये अपने रिटेलर को भी देता है। अब ये किस तरह की नॉलेज देगा, जैसे ये इन्फॉर्म कर सकता है कि नए नए प्रोडक्ट्स कौन कौन से आ रहे हैं मार्केट में, कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा कस्टमर का व्यू, क्योंकि देखो दुकान वाला तो अकेला होता है ना, लेकिन होलसेलर के पास तो कई दुकान वाले होते हैं, तो कई दुकान वालों की तरफ से फीडबैक आ रहा होता है होलसेलर के पास, तो वो अपना इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता है दुकान वाले के साथ कि फलाना दुकान वाले ने ज्यादा कमा लिया है, ज्यादा बेच रहा है, वो ऐसे ऐसे टेक्निक अपना रहा है, आप भी अपना के देखो। तो इस तरह से कुछ स्पेशलाइज इन्फॉर्मेशन दे देते हैं उसको। फिर है रिस्क शेयरिंग, होलसेलर रिस्क शेयर करता है रिटेलर के पास जो सामान भेजता है, अगर वो सामान रिटेलर से नहीं बिक पाया तो उसका रिस्क लेता है, और सामान जब पहुंचाता है दुकान तक रिटेलर तक, तो मान लो कि सामान पहुंचते पहुंचते बीच में कोई डैमेज हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो जो भी ट्रांजेक्शन का नुकसान होगा उसका ट्रांसपोर्टेशन का, वो अपने सर ले लेता है। मैं क्लियर हूँ? यस सर, तो कौन समझाएगा इस बार अदर देन दिव्या? सर तनीषा और कोई बच्चा? सर मैं बताऊं? नाम बताओ पहले। हाँ सर वंश। वंश, चलो स्टार्ट हो जाओ। स्लाइड चाहिए तो बताना, स्लाइड भी ओपन कर दो। ओके सर, इसमें सर्विसेज ऑफ होलसेलर टू रिटेलर्स की, होलसेलर रिटेलर्स को क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, जो रिटेलर्स होते हैं जब उनके पास जैसे गुड्स खत्म हो जाता है तो जो होलसेलर है उनको लार्ज क्वांटिटी में वो गुड्स प्रोवाइड कर देते हैं। और सेकंड है मार्केटिंग सपोर्ट, जो होलसेलर होता है वो मतलब एडवर्टाइजमेंट का और सेल प्रमोशन का सारा बर्डन खुद पर ले लेता है, जिससे रिटेलर को काफी फायदा होता है, उसको बार 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 में वो एडवर्टाइज करना नहीं पड़ता। थर्ड है प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटी, ये रिटेलर को उधार में भी बेच देता है, क्योंकि ये मतलब उसी उसी जगह से सामान मंगा रहा है तो ये क्रेडिट फैसिलिटी भी उसे प्रोवाइड कर देता है। चौथा है स्पेशलाइज नॉलेज, मतलब ये नॉलेज प्रोवाइड करता है होलसेलर रिटेलर्स को कि वो इस टेक्निक से, मतलब दूसरा दुकानदार इस टेक्निक से इतने पैसे कमा रहा है तो तुम कमा सकते हो, और ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा है तो तुम्हें ये खरीदना चाहिए, इससे तुम्हारी इनकम भी बढ़ेगी। और रिस्क बेयरिंग, जो ये होलसेलर होता है जब ये सामान पहुंचाता है जैसे रिटेलर्स को, तो आने जाने में जो भी खर्चा और जो वो लगता है, डैमेज हो जाए या फिर चोरी हो जाए, तो वो उसका बर्डन खुद ले लेता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है ना, तो ये तो हो गया हमारा सर्विसेज ऑफ होलसेलर्स टू रिटेलर्स। तो हमने दो पढ़ लिया, एक तो कि रिटेलर को क्या मदद करता है और प्रोड्यूसर को क्या मदद करता है। अब हम आ जाते हैं रिटेल ट्रेड पे। देखो रिटेल ट्रेड क्या होता है कि जब भी कोई दुकानदार जब अपना सामान कम क्वांटिटी में होलसेलर से खरीदता है और अपने सीधा डायरेक्टली कस्टमर को बेचता है, तो उसको हम रिटेल ट्रेड कहते हैं।
इसमें बस ध्यान रखना कि सामान कम क्वांटिटी में बेचता है कस्टमर को, लेकिन खरीदता भी, मतलब जो होलसेलर से ये खरीदता है ना, ज्यादा सामान खरीदता है और थोड़ा थोड़ा सामान करके अल्टीमेट कंज्यूमर को बेच देता है, तो ये इसकी खास बात है। दूसरा, इसमें जो है सर्विसेज भी देता है, ये भी ध्यान रखना है कि जैसे मान लो अब ये क्या कर रहा है, साड़ी बेच रहा है, तो अब ये पूरा इसको नाप नुक के दिखाएगा कि ये देखो बॉर्डर है, ये डिजाइन है, इसमें वो क्या बोलते हैं, अरे वो लगाते हैं ना इसमें बॉर्डर पे वो कपड़ा एक नीचे की तरफ लगा के सिलाई उलाई करके पूरा एकदम चमका दमका के देता है, तो ये सब लेंथ साइज सब नाप के बता देगा आपको। अगर कस्टमर को देखना है कि भाई ये कैसा उस पे लगेगा, तो ये सब भी फैसिलिटी अवेलेबल करा देते हैं ये लोग, तो और अपनी तरफ से भी व्यू देते हैं, तो ये रिटेल ट्रेडर का काम है। अच्छा, अब क्या क्या सर्विसेज देता है मैन्युफैक्चरर को या होलसेलर को, ऐसा नहीं है कि रिटेलर आंख मूंद के बैठा रहता है, ये भी बहुत सारी सुविधाएं प्रोवाइड करता है, किसको, मैन्युफैक्चरर को भी करता है और होलसेलर को भी। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोड्यूसर को क्या हेल्प करता है ये, जो सामान बना रहा है उसको क्या मदद करेगा। एक तो हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूशन, देखो ये डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है, आपको भी पता है कि होलसेलर इतना सब तो करता नहीं है, वो तो सीधा लाता है और रिटेलरों को दे देता है, मेहनत तो बेचारे रिटेलर करते हैं, हर जगह सामान को बिकवाना बहुत मुश्किल काम है, हर एक कंज्यूमर अलग अलग तरह का होता है, तो वो चोरी चकारी सब दुकान से उड़ा के ले जाते हैं कई लोग, सब खर्चा ये भरता है, इसको ये इस तरह के टूल्स रखने पड़ते हैं, इक्विपमेंट्स रखने पड़ते हैं सेल्फ सर्विस वाले, तो लोग आते हैं खरीदते हैं, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन करने में मदद करता है, ये घर घर तक पहुंचवाने में मदद करता है। दूसरा है पर्सनल सेलिंग, ये क्या करता है कि अपने आपका जो प्रोडक्ट है, जो जो प्रोड्यूसर ने प्रोडक्ट बनाया है, उसके प्रोडक्ट को पर्सनल सेलिंग करता है, जब कस्टमर इसकी दुकान पे आता है तो उसका पूरा प्रचार करता है कि सर ये, अब जैसे ये क्या कह रहा है, देखो ये चाइनीज है, इसको बता रहा है भाई देखो ये कैमरा एकदम बेहतरीन है, इसका फोकस बहुत अच्छा होगा, लेंस इसका एक नंबर की क्वालिटी का, भले हो ना वो अलग बात है, तो ये कस्टमर को खुश करके, मतलब किसी भी तरह से उसको कन्विंस करके बेचेगा, क्योंकि ये कॉन्टेक्ट में रहते हैं कस्टमर के, तो जान पहचान ठीक ठाक सी रहती है। फिर एक और है लार्ज स्केल ऑपरेशन, इन्हीं की वजह से होलसेलर्स और मैन्युफैक्चरर्स आसानी से, उनको ट्रबल नहीं होता और वो आसानी से सामान को बिकवा सकते हैं, तो ये लार्ज स्केल ऑपरेशन करने में मदद करते हैं। देखते नहीं और रिटेलर्स की बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं, कितने सारे लोग आते हैं सामान खरीदते हैं, तो इनको कोई दिक्कत नहीं होने देते ही। और फिर आता है चौथा जो है, ये क्या करते हैं कि सर्विसेज, मतलब एक तरह से बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके प्रोड्यूसर तक पहुंचवाते हैं, जैसे क्योंकि कस्टमर इनके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होते हैं, तो कस्टमर अपना व्यू रखता है कि यार पिछली बार जो तूने सामान दिया था घटिया निकल गया, तो दुकान वाला उससे पूछता है सर क्या कमी आई उसमें, क्या दिक्कत हो रही है, तो वो बताता है कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आई, तो वो ये इन्फॉर्मेशन आगे बताता है, फिर विद द हेल्प ऑफ होलसेलर वो इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूसर तक पहुंच जाती है, और प्रोड्यूसर अगली बार जब वो सामान बनाता है ना, तो बड़ा उसका ध्यान रखता है कि ऐसी ऐसी चीजें जो आ रही हैं वो चीजें दिक्कत ना करें। तो आपने भी कई बार सामान लिया होगा दुकान से, तो आप कंप्लेंट करते हो कि ये प्रोडक्ट में ये कमी है, तो अगली बार वो प्रोडक्ट को सही किया जाता है, जैसे विम आता है, विम बार जैसे बर्तन साफ करने वाला होता है, तो कई विमेंस ने कंप्लेंट किया कि ये विम बार जो साबुन है गलने लगता है, जो स्क्रैप से हम लोग साफ करते हैं बर्तन वर्तन जो करती हैं विमेंस, तो उससे वो तो उन्होंने क्या किया, एक वो दे दिया उसमें कटोरा टाइप में दे दिया, उसी में वो गलता नहीं है, फिर लिक्विड फॉर्म में भी आ गया, क्योंकि इनकन्वीनियंट रहता था, वेस्टेज होता था ज्यादा, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कौन पहुंचाता था, प्रोड्यूसर पहुंचाता है होलसेलर को, और होलसेलर से, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, ये सेलर पहुंचाता है, यानी कि रिटेल ट्रेडर पहुंचाता है होलसेलर तक, और होलसेलर के थ्रू प्रोड्यूसर तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है, तो हम कह सकते हैं कि ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके और प्रोड्यूसर को देता है। फिर ये सेल्स प्रमोशन में भी मदद करता है, आपने देखा होगा कि दुकान वाले बहुत सारा प्रमोट करते हैं, कि बोलते हैं कि इतना खरीदने पे इतना डिस्काउंट है, इतने रुपए आप बचा लोगे, दुकान पे लगा रहता है ना सेल का, देखा होगा आपने कि वो बोलते हैं कि इतना सामान खरीदोगे तो इतने रुपए की छूट एक्स्ट्रा मिल जाएगी, तो इतने रुपए आप बचा लोगे, तो ये सेल्स प्रमोशन का एक तरीका है, जिसमें डिस्काउंट दिया जाता है, ऑफर किया जाता है, कोई नया मतलब एक तरह से कूपन भी प्रोवाइड करते हैं, तो ये सारे सब के सब सेल्स प्रमोशन टेक्निक है, जो दुकान वाला अपनी तरफ से अपना रिस्क लेके करता है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई। सबको समझ में आ गया ये पांचों पॉइंट? Yes, sir. कौन समझाएगा बॉयज में से? पहले बॉयज को मौका दे रहा हूँ, बॉयज फर्स्ट, गर्व समझाना है, नमन, हर्ष, आकाश, कौन समझाएगा बोलो? आकाश सिंह,
अनम्यूट करो आकाश। यस सर, आवाज नहीं आ रही है। सर आ रही है। जो स्लाइड चाहिए मैं, हाँ तो जो स्लाइड चाहिए मैं हेल्प करूंगा, आपकी स्लाइड दिखाऊंगा, शेयर करूंगा, जैसे बोलोगे ऐसे मैं फॉलो करूंगा। ठीक है, बोलो शुरू करें। आकाश स्टार्ट करो। आकाश मेरी आवाज आ रही है बेटा? तो बोल लो सर, ये तो हेल्प। हाँ फर्स्ट पॉइंट, ये हेल्प कर जो डिटेलर होता है वो क्या कहते हैं, जो प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर का जो प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस करता है वो रिटेलर हेल्प करता है उनको डिस्ट्रीब्यूट करने में। कैसे करेगा मतलब, कैसे डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेगा मतलब बताइए, जो दुकान वाला होता है कैसे मतलब घर घर जाके देता है क्या, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करेगा बताओ। मैं बोलना बोलना है कि डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेगा ये पूछ रहा हूँ, क्या घर में जा जाके देगा सामान को, हर जगह कैसे बांटने में मदद करता है आकाश? रिटेलर जो है, रिटेलर जगह जगह होते हैं जो ये, बिल्कुल सही है, हाँ बोलो बोलो, सही बोल रहे हो। ये घर घर की फैसिलिटीज देते हैं और इनके ये छोटे छोटे जगह जगह पे ना इनकी दुकानें होती हैं, ये होलसेलर अच्छा। से सामान खरीदते हैं और फिर वो कंज्यूमर को बेचते हैं। हाँ तो एकदम सही बता रहे हो, अब इतना बढ़िया तो शायद ही कोई बताया है कि आपने ये बोला सर, जो रिटेलर्स हर जगह फैले रहते हैं, आप देखो कहीं गली गली मोहल्ले मोहल्ले इनकी दुकान है, आप नजफगढ़ में देख लीजिए इतनी सारी दुकान है, हमारे कॉलोनी के आसपास ही दुकानें होती हैं बड़ी बड़ी। तो ये लोग क्या करते हैं, जब आसपास नजदीक में दुकान खोल लेते हैं तो कोई भी कस्टमर, छोटे छोटे बच्चे मैंने देखा दौड़ते जाते हैं सामान लेके आ जाते हैं। क्यों ये क्यों पॉसिबल है, क्योंकि जगह जगह फैले हुए हैं, स्कैटर्ड फॉर्म में है, लेकिन होलसेलर हर जगह नहीं फैले होते हैं, उनकी भी एक बड़ी एक जगह दुकान होती है और सामान इकट्ठा करके रखते हैं। तो ये करते हैं बेसिकली कि छोटी छोटी दुकानें हर जगह खोल के रखते हैं, इसकी वजह से ये सामान को डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करते हैं आसानी से। कोई भी सामान जैसे ब्रेड है, मान लो ब्रेड को बेचना है तो ब्रेड बेचने के लिए आपको आसपास रहना जरूरी है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ब्रेड वही खाता है जो जिसके पास टाइम नहीं रहता है। अब मान लो पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है और जल्दी जल्दी खाना सर्व करना है, ब्रेकफास्ट देना है, तो सबसे बढ़िया ब्रेड है, बिस्किट है, तो बच्चे को बोल देंगे जा बेटा बिस्किट लाए, ब्रेड लाओ, दौड़ा दौड़ा जाएगा, केक ब्रेड जो भी खाना है फटाफट लेके आएगा। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन आसान हो गया ना, अगर यही चीज इमेजिन करो होलसेलर से होता तो ये तो इम्पॉसिबल हो जाता। तो ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं प्रोड्यूसर को। हाँ सर, जो होलसेलर अपना दुकान खोल सकते हैं सर, जैसे बड़े बड़े स्टोर होते हैं उस टाइप से? हाँ। देखो खोलने को खोल सकते हैं, इंडिया में तो कई बार ऐसा भी होता है होलसेलर के पास आप जाके 30-40 किलो गेहूं या चावल लोगे तो दे भी देता है, मना नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन आप जाके बोलोगे 1 किलो दे दो तो बिल्कुल नहीं देगा, वो सर पे हाथ रख लेगा। दूसरी बात, होलसेलर का काम क्या होता है, बेसिकली प्रोड्यूसर से खरीदता है, बहुत सारा स्टोर करके रखता है और वो सिंगल तरह का प्रोडक्ट बेचता है, जैसे चावल गेहूं ये बेचेगा तो इस तरह का ही सामान रखा है, जैसे गेहूं रख लिया, राजमा रख लिया, चावल रख लिया, ठीक है, इस तरह से चीजें रखेगा। हर चीज नहीं रख सकता ना वो अपनी दुकान में, क्योंकि लार्ज क्वांटिटी में रखना होता है। तो आप खुद सोचो, अगर वो एक बार को मान लेते हैं कि वो हर जगह दुकानें खोल भी लेगा तो इसके लिए तो उसको लॉस होगा, क्यों, क्योंकि कस्टमर हमेशा कोशिश करता है कि एक ही दुकान से सब चीज मिल जाए, लेकिन अगर आप होलसेलर की दुकान में जाओगे तो एक ही चीज नहीं मिलेगी, उसमें एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ गुड्स ही मिलेगा बस, जैसे गेहूं चावल मिलेगा तो यही मिलेगा, इसके अलावा आप दूसरा चीज चाहोगे ना कोई चीज, जैसे मस्टर्ड ऑयल बोलोगे तो वो बोलेगा नहीं नहीं हम मस्टर्ड ऑयल नहीं बेचते, आप बोलोगे भैया कोई दूसरा सामान दे दो, जैसे मान लो आपने बोला मूंगफली दे दो, वो बोलेगा मूंगफली है ही नहीं जी, हम तो बेचते ही नहीं है, हमारे पास बस गेहूं चावल यही है, या फिर इस तरह का। तो होलसेलर एक फिक्स आइटम बेचता है, सब नहीं बेचता, जैसे होलसेलर जैसे मान लो ऑरेंज का होलसेलर है, या आप देखोगे नजफगढ़ में केला बेचने वाले होलसेलर्स होते हैं, तो वो केले को पकाते हैं बनाना, ठीक है, तो कैसे पकता है बनाना पता है?
बोलो, देखता हूँ कितना इंटरनल नॉलेज रखते हो। बनाना कैसे पकाते हैं गर्मी में? जैसे जो सेल करने वाले आते हैं तो वो कभी कभी कच्चे दे जाते हैं, तो वो कहते हैं इनको 2-3 दिन ऐसे ही रख लेना, ये अपने आप पक जाएंगे। तो क्या कुछ केमिकल यूज करते होंगे ना? अपने आप ही पक जाते हैं बनाना? नहीं 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 नहीं, अपने आप तो उस पेड़ पे ही पकेगा। इसको पकाने के लिए धुआं, कपड़े रखते हैं सर कपड़े में? अरे भाई ऐसा है, मैं आपको बताऊं थोड़ा सा मुझे जो ज्ञान है, इसको धुआं घर होता है एक, मतलब वो क्या करते हैं एक तरह का धुआं कर देते हैं उस रूम में और पैक कर देते हैं उसको, ठीक है? तो उससे भी पक जाता है केला, ठीक है? अब अपने घर में आग मत लगा के फूंक लेना उसमें धुआं करने के चक्कर में। तो ये लोग क्या करते हैं, वो घर बहुत स्पेशलाइज्ड होते हैं, उसमें एक तरह का धुआं कर दिया जाता है और सारे कच्चे जो केले होते हैं वो ऑटोमेटिक जल्दी से पक जाते हैं। तो ये काम जो होलसेलर होता है ना, वो सिर्फ केले ही पकाएगा, अगर पता लगा उसने सेब वेब रख दिया या कोई दूसरा चीज रख दिया तो बर्बाद हो जाएगा। तो इसी तरह से आम पकाने वाला जो होलसेलर होता है, आम का ही वो करता है, उस पर केमिकल आता है वो लगा दिया जाता है और वो केमिकल अपना असर दिखाना शुरू करता है, जल्दी से पका देता है। तो इसीलिए होलसेलर सारे फ्रूट थोड़ी ना रखेगा, स्पेशलाइज होता है वो, तो एक पर्टिकुलर फ्रूट ही रखेगा बस, ठीक है? केला पकाने वाला जो होलसेलर है, पहले तो ये हनुमान मंदिर है ना नजफगढ़ में, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में था, तो वहां से हमेशा धुआं निकलता रहता था, तो पता चला मुझे कि भाई ये होलसेलर है, ठीक है? तो इस तरह से ये लोग करते हैं, समझ गए? यस सर। ठीक है, तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया। पर्सनल सेलिंग वही, मतलब कस्टमर से कॉन्टेक्ट में रहता है, कस्टमर को तो कई बार तो कसम भी खा लेते हैं कि भाई आपकी कसम ये सामान खराब निकल जाए तो अगली बार से मेरे दुकान से आप लेना ही मत। आपको नहीं लग रहा है ये पर्सनल सेलिंग हो गया एक तरह से, उसको कन्विंस कर रहा है सामने वाले को, ऐसे ही है ना? सर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि पर्सनल लेवल पे एडवर्टाइज करने हैं? हाँ बिल्कुल, वही पर्सनल सेलिंग यही होती है। पर्सनल सेलिंग का मतलब होता है कस्टमर से इंटरेक्ट करना व्यवहार के साथ, कि भाई जैसे मान लो आप कोई गए बिस्किट लेने, उसने बोला ये बिस्किट आप, मैं देख रहा हूँ कई दिन से खरीद रहे हो, ये नया बिस्किट आया मार्केट में, एक बार इसको खा के देखो। आपने बोला अगर खराब हुआ तो वो बोलेगा 2-3 पीस खाना, अगर खराब लगेगा तो लौटा देना, ऐसे ही मैं खा लूंगा इसको, मैं अपने ऊपर रिस्क लेता हूँ। इसको बोलते हैं पर्सनल सेलिंग, आपको कन्विंस कर दिया सामने वाले। अब ये किसकी मदद हो रही है, इससे इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर की मदद हो रही है, क्योंकि प्रोड्यूसर ये कर नहीं रहा है, वो तो सीधा बनाता है और बेचता है, काम खत्म। लेकिन ये पर्सनल लेवल पे ये बेचने का काम कर रहा है। इज इट क्लियर? Yes. आकाश अंडरग्राउंड हो गया, आकाश समझ में आ गया? हाँ, तो तुम बोलते क्यों नहीं हो, शर्माते क्यों? क्या अंडरग्राउंड नहीं हुआ तो तुम बोलते भी तो नहीं हो, इतना बढ़िया एग्जांपल दिया था तुमने डिस्ट्रीब्यूशन का। चलो लार्ज स्केल ऑपरेशन बताओ कैसे करते हैं, लार्ज स्केल ऑपरेशन। सर ये लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में ऑपरेशन में मतलब जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, होलसेलर होते हैं, वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, जिसके कारण उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो एक सिंगल कस्टमर को अपना वो के कहते हैं, सिंगल कस्टमर से बाइंग सेलिंग ये सब वो के कहते हैं सेलिंग करे। तो ये काम है ना रिटेलर, ठीक है, क्योंकि है ना। तो लार्ज स्केल ऑपरेशन हो जाएगा। देखो यहाँ लार्ज स्केल ऑपरेशन का मतलब है ना, लार्ज का मतलब है भारत का बाजार। जैसे आप देखते हो ना कोई चीज बनता है, जैसे सपोज करो ब्रेड बनती है तो पूरे इंडिया का ब्रेड बिक जाती है, लार्ज स्केल ऑपरेशन, आप आसानी से ज्यादा जगह फैला सकते हो, तो ये रिटेलर ही है जिनकी वजह से आपकी बिजनेस इतनी ज्यादा फैल जाती है, ठीक है? तो रिटेलर की वजह से लार्ज स्केल ऑपरेशन होता है, हर जगह आपका सामान बिक रहा होता है, तो ज्यादा क्वांटिटी में बिक रहा होता है, ठीक है? ठीक है ना? यस सर। क्लियर है? ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा, फिर कलेक्टिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन समझाई चुका मैं, सब हो गया है। तो यहाँ तक हमने कर लिया है, ठीक है, आज हम यहाँ तक करते हैं। अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, सर्विसेज ऑफ रिटेलर्स टू कंज्यूमर्स, कंज्यूमर को क्या सर्विसेज देते हैं, ऑलमोस्ट वही सर्विस देते हैं, तो वो हम करेंगे कल, ठीक है? और कल इस चैप्टर को खत्म करेंगे, ठीक है? तो आज इतना ही करें, कब? ठीक है, तो लीव कर सकते हो। तेरे अकाउंट से किस लिए बस है?